क्या ऐसा जब आया? मुझे पीलिया हो गया था, पूरे गोरखपुर के डॉक्टर जवाब दे दिए थे, तो यहाँ से मेरा रिफर किया गया कि काना में आप इनको मेडिकल ले जाइए, अब वहाँ ले जाइए, पीजीआई ले जाइए। पीजीआई वाले भी हमको जवाब दे दिया कि ये बचेंगे नहीं, बचेंगे नहीं, इनको गोरखपुर ले जाइए, 10 दिन का मेहमान है। तो उसके बाद बाराबंकी में मेरा बस खराब हो गया, तो एक आदमी बोला देवा शरीफ चले जाइए, ये बच्चा बच जाएगा, ऊपर वाले की मर्जी नहीं रहेगी तो बच जाएगा। तबले एक फकीर मिले, असलम शाह वारसी मिले, कहे बेटा क्या हुआ, क्यों रो रही हो? कर कि हमारी औरत कह रही है कि बाबा हमारे पति को डॉक्टर जवाब दे दिया, मरेंगे नहीं। तो बाबा ने पूछा इसको क्या हुआ है, तो बताई हमारी औरत की का नाम इनको पीलिया हो गया, खून नहीं है। तो हमारे औरत से कहें बाबा असलम शाह वारसी कहें कि जाओ आ तुम वो ले लो का नाम है, एक गिलास पानी ले आओ, मैं पानी दम कर जा रहा हूँ, मर्जी इसकी रहेगी तो नहीं बचेगा, मर्जी उसकी रहेगी तो बच जाएगा। तो एक गिलास पानी ने हमको बाबा दिया, मैं पानी पिया, उसके बाद मैं 3.5 बाल्टी मवाज लिख रहा मेरे शरीर से, मेरा शरीर पूरा पीला हो गया था। डॉक्टर केडिया ने हैरान हो गया देख कर कि कैसे बच गया, जिसको मैं रिफर कर दिया ये मर जाएगा, कैसे बच गया, नया जिंदगी पा गया। तो एक हफ्ता मैं देवा शरीफ था, देवा शरीफ का नाम आप लोग सुने होंगे, बहुत पहुंची हुई हस्ती है। तब मैं देवा गया, वहीं जब हमारे आवाज़ लिख रहा, एक हफ्ता के बाद आवाज़ लिख रहा, तो मैं देखा कृष्ण भगवान को, छात मजार था, वो मजार था मेरे। तो मैं कहा बाबा मैं आपके चरण में रहूंगा, जिंदगी भर आपका सेवा करूंगा, आप हमारे ऊपर कृपा देते कर दीजिए कि हमारे बच्चे बहुत छोटे छोटे हैं कि हम अपने बच्चन को जिला खिला सकते हैं, तो मेरे बच्चे इधर उधर हो जाएंगे। तब मैं हुआ से आया सही सलामत हो के, तो 2-3 महीना लगा हमको, 2-3 महीना लगा शरीर वरीर बनने में, एकदम कंकाल हो गए थे, पूरा हमारी हड्डी गिन लेते, डॉक्टर गिन लेता, चल नहीं पा रहे थे, 2 आदमी हमको उठा के ले जाते थे, ले आता था।